जो में सट्टा खेलते हुए ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट हराम है, बट ये कि रमजान में अच्छा खासा रोजा रख रहे हो, तरावी पढ़ रहे हो, इबादत कर रहे हो एंड देन रात में जाकर के सट्टा खेल लेते हो, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम पर उसैद साथ में, उसैद ये कौन है? ये ट्रैक्टर लिया हुआ। किसका ट्रैक्टर है ये? हमारा। कहाँ से लाया है? दुकान से। दुकान से लाया है? हाँ। तो कुछ काम वाम करता है कि बस ऐसे ही बस ट्रैक्टर लिए खेलता ही रहता है? हाँ। ट्रैक्टर से क्या क्या काम करता है? मम्मी लगा देता रहे। इतना लगा रहे। नहीं बताएगा ट्रैक्टर से क्या क्या काम करता है? कौन है ये? सलाम तो कर दे। सलाम तेज कर। अभी उठा हूँ इनफैक्ट थोड़ी देर पहले, सो 10 बज रहा है इस टाइम पर। आज जल्दी उठने का रीजन ये भी है कि थोड़ा मार्केट जाना है, इनफैक्ट जल्दी से होकर के आ जाऊँ धूप होने से पहले, क्योंकि रोजे में फिर मालूम चलता है ज्यादा। इनफैक्ट अब चलते हैं थोड़ा मार्केट, रेडी हो गए सब, चलते हैं मार्केट। आ जाए भाई, बहुत ज्यादा धूप है, जल्दी से मार्केट पहुंचते हैं। मारो भाई मुंह, अरे इतना ना दिखाओगी हमारे मुंह पर। मार्केट का तो सारा काम हो गया है, सब घर चला जाए, हालत खराब हो रही है सारा घर में। थोड़ी देर पहले ही मार्केट से आए, सो अब अफ्तार का टाइम हो रहा है, चलते हैं अफ्तारी। टाइम 8 बज रहा है, सो पहले तो अफ्तार किया इनफैक्ट एंड देन नमाज पढ़ा। मैं अभी तक रिलैक्स कर रहा था क्योंकि आज पूरा दिन ही मार्केट में ही लग गया, गाड़ी की सर्विस एंड ऑल इस सारी चीज़ों में। सो अब थोड़ी सी देर में अजान हो जाएगी 8:15 पर, सो देन तरावी में जाना है, मिलते हैं तरावी के बाद। इस वक्त 11:25 हो रहा है, इनफैक्ट मैं तरावी पढ़ा है अंदर, उसके बाद डिनर किया, सुकून से ऊपर आया एंड आज काफ़ी अच्छा मौसम है, बट हाँ आज तारे तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई थी इनफैक्ट, सुबह 10 या 11 बजे अराउंड निकल गया मार्केट एंड फिर शाम के टाइम पर मार्केट से आया, तो काफ़ी अच्छा दिन में इतना गर्मी रहता है कि कोई हद नहीं, एंड रोज़े की हालत में और ज़्यादा परेशानी हो रही थी। खैर कट गया ऊपर वाले का शुक्र से, मुझे नहीं समझ में आ रही है। इनफैक्ट आज के टाइम पर जो सट्टा और ये सारी चीज़ें जो है एकदम ही लीगल कर दिया गया। अच्छा इस टाइम पर इतनी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है, और जैसे ये IPL का टाइम है, इनफैक्ट क्रिकेट में तो स्पेशली पैसा कुछ ज़्यादा ही लगता है, और आज के टाइम में इतनी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अच्छा एक लॉजिक और नहीं समझ आता कि अगर कोई बाहर ताश खेल रहा है, कार्ड्स खेल रहा है पैसा लगा करके, तो पुलिस आकर के पकड़ लेगी। इनफैक्ट ये तो एकदम खुला चल रहा है, और आई थिंक ये लीगल भी है ऑब्वियसली, इतना ओपनली चल रहा है सारी चीज़ें। अभी तो बहुत सारे सेलेब्स जो हैं वो इसके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो नहीं समझ में आती। और स्पेशली और भी जो है, जो रमज़ान का टाइम है, तकरीरें बहुत सारी करेंगे लेकिन बराबर से मैचेस में पैसा लग रहा है। इनफैक्ट क्रिकेट तो स्पेशली कह दिया जाए ये गेम में तो कुछ ज़्यादा ही सट्टा लगता है। सो अब तो मैं यहाँ के लोगों में देख रहा हूँ, ये छोटी इस जगह इनफैक्ट यहाँ पर कभी मैंने नहीं देखा था, अब ये एप्लीकेशंस के थ्रू फटाक से पैसा लगा दिया कहाँ। अच्छा 90% टाइम जो है लोगों का जो है क्रिकेट में ही लग रहा है और पैसा लगा रहे हैं। इनफैक्ट ये सारी जो स्ट्रेटेजी है लुटना ही है उन्हें, और कुछ नहीं होना है, इसमें कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है एडवर्टीजमेंट में कुछ भी दिखा दिया जाए। फिर मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि रमज़ान में आप रोज़ा रख रहे हो, तरावी पढ़ रहे हो, सारी इबादत कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो,
लेकिन रात में जाकर के आप मैचों में पैसा लगा रहे तो ये हराम है, तो बचे इस चीज से। अपने यहाँ इस चीज की इजाजत दे दी गई है, बट ये कि इस्लाम में इसमें इजाजत नहीं दी गई है, ये हराम है, तो इस चीज से बचे। इनफैक्ट अच्छा खासा रोजा रख रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो और आखिरी में जाकर के मैचेस में पैसा लगा करके सारी चीजें आप खत्म करे दे रहे हो। इस टाइम पर 12:35 हो रहा है। इनफैक्ट आज मैं थोड़ा ज्यादा थका हुआ हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। इनफैक्ट तरावी वो सॉरी शहरी का टाइम हो जाएगा, तो मिलते हैं शहरी का टाइम।